इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जेल से रिहा होने के बाद पार्टी में एक बार फिर जान भरने की कोशिश में जुटे हैं। तस्वीरें पलवल की हैं, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्य तौर पर शिरकत की और किसान आंदोलन को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर एक के बाद एक वार किए। लुटेरों के हाथ में राज आ गया, तो दोनों हाथों से प्रदेश और देश की जनता को लूट गए। इस प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से इस देश का सारा पैसा मुट्ठी भर 15% बड़े औद्योगिक घरानों के अंबानी और अडानी जैसे लोगों के पास जाता है और उसी पैसे से ये मूल लूटने का काम करता है। इन्हें जनता से प्यार नहीं, पैसे से प्यार। 1978 में जब लोकसभा के चुनाव थे, राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में मेरे पिताजी चौधरी देवीलाल जी एक सभा को संबोधित कर रहे और अपने संबोधन में जब वो भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे थे, तो एक बूढ़े आदमी ने बीच में खड़े होकर के कहा, चौधरी साहब अब तो भ्रष्टाचार में भी भ्रष्टाचार हो रहा। चौधरी साहब समझे नहीं, उन्होंने पूछा कैसे, तो उस बुजुर्ग ने कहा कि पहले पैसे लेकर के तो काम कर दिया करते, अब ये कमबख्त पैसे भी खा जाते हैं और काम भी नहीं करते। 2005 में जब हमारी सरकार गई थी, प्रेस के भाई नोट कर लें, ये रिकॉर्ड की बात मैं बता रहा हूँ, उस वक्त हम 2000 करोड़ रुपया नकद खजाने में छोड़ के गए और आज हरियाणा प्रदेश की सरकार के सर के ऊपर 2.5 लाख करोड़ का कर्जा, 2.5 लाख करोड़। जो बच्चा पैदा होगा वो अपने सर के ऊपर 1 लाख का कर्ज लेकर के पैदा होगा। ये हालत आज आर्थिक तौर पर ये देश पूरी तरह से बर्बाद हो, सामाजिक तौर पर इस देश की परंपराएं सब समाप्त हो गई। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला, सैर सपाटे के लिए नहीं मिला, मैं हर मुल्क के हालात का जायजा लेने के लिए गया। तो सारी दुनिया में भारतवर्ष ही वाहिद एक ऐसा मुल्क है जिसमें 36 जात के लोग आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके रह गए। राजनीतिक स्वार्थी लोगों ने हमें जात पात के नाम पर बांट करके अपने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम, अब लोगों को समझ आ गई है और लोगों ने निर्णय कर लिया है कि इस लुटेरी सरकार का निश्चित रूप से अंत करना पड़ेगा। बकरे की मां कह था चौड़े चुनाव तो इन्हें कराना ही पड़ेगा और मैं आपको वायदा देकर के जा रहा हूं, जब भी चुनाव होंगे एलनाबाद में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार के मुकाबले में जितने भी लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे उन सब की जमानत जब्त होगी। आपका पत्ता से भारी मतों से विजयी है और जब भारी मतों से आपका उम्मीदवार विजयी होगा तो फिर सरकार में खलबली मच जाएगी, संगठन टूट जाएंगे, इनके चुने हुए प्रतिनिधि इनको छोड़ करके भाग जाए और सरकार जब अलगमत में होगी हिम्मत के अपने चुनाव निश्चित रूप से। आपको 4 साल इंतजार करने की जरूरत है, मध्यावधि चुनाव जब होंगे तो फिर निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार दोनों हाथों से आज देश की संपत्ति को लूट के खाते। इसलिए इन लुटेरों को सबक सिखाने के लिए और हरियाणा प्रदेश और देश के उचित विकास के लिए आपको संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। मैं आपको एक वायदा देकर के जा रहा हूं, एलनाबाद के उनका उपचुनाव जब भी होगा इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के उम्मीदवार के मुकाबले में जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे उन सब की जमानतें जब्त हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं,
या संगठन को मजबूत करें। कोई भाषण देने नहीं आया, भाषण देने का तो आपको निमंत्रण देने आया। अब के पार्टी ने जील में बनाने का निर्णय लिया, उस सभा को मजबूत बनाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सभा में ले जाने का काम आपकी जिम्मेवारी है। एक एक गांव में जाए, एक एक व्यक्ति को इसके लिए तैयार करें। जब भारी संख्या में आप वहां उपस्थित होंगे तो फिर देश का वातावरण बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो मेरे जब राज के मालिक होंगे तो फिर आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेगी कि नहीं। उस सभा में समूचे भारतवर्ष के हर प्रदेश के विपक्षी पार्टियों के अग्रणी नेता है, हम जहां उनका सम्मान करेंगे, आपको उनके भाषण सुनने का अवसर मिलेगा। वहां हम हरियाणा प्रदेश के उन युवाओं को भी सम्मानित करेंगे जो ओलंपिक में मेडल लेकर के आए। बता दें कि पलवल में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला कार्यकर्ता मिलन समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ऐलनाबाद उपचुनाव में हार से डरी हुई है, इसलिए उपचुनाव कराने से कतरा रही है। जब भी ऐलनाबाद उपचुनाव होगा तो वहां निश्चित तौर पर इनेलो की जीत होगी और आने वाली सरकार भी प्रदेश में इनेलो पार्टी ही होगी। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।